सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक यम्मी रैप रेसिपी जो हाई इन प्रोटीन है, वेट लॉस में हेल्प करता है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। एंड रेसिपी शुरू करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आगे आने वाली ऐसी ही और अमेजिंग रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिएंगे हमारे चीले के लिए, फिलिंग के लिए और चीला बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम बना रहे हैं अपने लंच के लिए मूंग दाल का चीला। तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल का पेस्ट लिया है। मूंग दाल को पहले आप भिगो के रख लें कुछ टाइम के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर उसको पेस्ट बना लीजिए। हमें चाहिए 75 ग्राम्स ऑफ पनीर, 75 to 100 ग्राम ऑफ पनीर आप ले सकते हैं अपनी फिलिंग के लिए। और कुछ कैप्सिकम, मैंने बहुत बड़ी कैप्सिकम थी तो मैंने 1/4 पार्ट उसका लिया है। और हाफ टमाटो, अनियन मैंने फुल लिया है क्योंकि अनियन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ मैंने चॉप कर लिया, हाफ मैंने रखा हुआ है बाद के लिए। वो जब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाफ हमारा अनियन बाद में कैसे यूज़ होगा। और थोड़ी सी कैरेट मैंने यहाँ पे ली है, स्मॉल कैरेट का 1/4 पोर्शन है ये, इतना इनफ है एक चिली के लिए। और रेड चिली और टर्मरिक पाउडर एंड ऑरिगेनो पाउडर, और मेरे ऑरिगेनो पाउडर में सॉल्ट भी है इसलिए मैं अलग से सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपके ऑरिगेनो पाउडर में सॉल्ट नहीं है तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। सो एक नॉन स्टिक पैन मैंने ले लिया है, उस पर मैं अपना बैटर स्प्रेड कर रही हूँ। तो नॉन स्टिक पैन ही अगर आप लेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मूंग दाल का चीला जो है नॉर्मल पैन पे आपको बहुत घी अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको उसको परफेक्टली कुक करना है और आप चाहते हैं कि ब्रेक ना हो। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग अ नॉन स्टिक पैन। सो मैंने अपना चीला परफेक्टली स्प्रेड कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्की हल्की डॉट्स कहीं पे घी की डाली हैं ताकि थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाए इजिली कुक होने में। ऊपर वाली साइड डालेंगे आप और जब आप इसको टर्न करेंगे तो वहाँ लगाने की नीड नहीं है, इतना इनफ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिलिंग कैसे रेडी करनी है। सो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, ये भी नॉन स्टिक है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, बिल्कुल ज़रा सा डालना है आपको, 1 स्पून इनफ है। इसमें मैं डालूंगी अब अपने चॉप्ड अनियंस, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है आपको अपने अनियंस को, हल्का सा उनको कुक होने देंगे कि थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो जाए। बिल्कुल कम्प्लीटली इसको कुक नहीं करना है, फिर हम इसमें बाकी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। सो हमारे अनियन थोड़े थोड़े कलर चेंज अपना कर चुके हैं, इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। और कैरेट अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे, इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। उसके बाद हम अपने टमाटो ऐड कर लेंगे इसमें। और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि चीला भी हमारा एक साइड से रेडी हो गया था तो मैंने इसको टर्न कर दिया है, इतना ही कुक होगा ये, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होगा, कलर इसका ऐसा ही आएगा। और जब थोड़ा सा साइड से दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सो मैंने इसमें अपने टमाटो भी ऐड कर लिए हैं और अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, और इसको आप चलाते रहेंगे ताकि ये बर्न ना हो। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ अपना पनीर, तो छोटे छोटे पीसेस पनीर के आप डाल लेंगे। मैं इसमें अब अपने मसाले डाल रही हूँ, हल्दी और रेड चिली पाउडर जो मैंने लिया था। और हमारा ओरिगैनो, इसको कुक कर लेंगे और अब मैं इसके बाद आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसको सर्व करना है।
सो मैंने अपने चीले पे अपनी सब्जी जो भी मैंने फिलिंग बनाई थी उसको ऐसे प्लेस कर लिया है, और जो हमने अनियन साइड में रखा था उसको मैंने ऐसे चॉप करके अलग कर लिया, और इसको हम अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे क्योंकि कच्चे अनियन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक क्रंच ऐड हो जाता है आपकी फिलिंग में। और अब मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ अपनी ग्रीन चटनी होममेड, और आप इसमें थोड़ी सी केचप 1 स्पून स्प्रेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, 1/2 स्पून भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। अच्छे से सारे इस पे हम स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा फ्लेवर इससे ऐड हो जाएगा। सो प्लेटिंग के लिए आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें टूथपिक इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्लेस पे फिक्स रहे, और अगर आपको खाना है तो आप नॉर्मली भी उसको फोल्ड करके होल्ड करके खा सकते हैं, और खाते वक्त टूथपिक रिमूव कर सकते हैं। सर्व करने के लिए ऐसे इजी रहता है। तो आई होप यू लाइक माय रेसिपी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लगी, और ज़रूर इसको बना के ट्राई करके मुझे बताइए। थैंक यू।